हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्विज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आंसर टेस्ट पूरा दीजिए और आपके कितने क्विज सही निकले हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और डेली जीके अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन बी है 7। क्वेश्चन नंबर टू, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, हॉकी, गोल्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर एट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नाइन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 48। क्वेश्चन नंबर टेन, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 2। क्वेश्चन नंबर 11, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है टोक्यो, जापान। क्वेश्चन नंबर 13, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्वेश्चन नंबर 14, रेसरल बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 4। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 41। क्वेश्चन नंबर 18, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? इसका
राइट आंसर ऑप्शन सी है, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 19, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है 65 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है 1896। क्वेश्चन नंबर 21, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पेरिस ओलंपिक 1900। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। क्वेश्चन नंबर 24, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है पीटी उषा। आज का प्रश्न है, 2024 में समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है? पेरिस फ्रांस में, लंदन ब्रिटेन में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अपना सही आंसर कमेंट कीजिए।